और अब जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पुलवामा में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। त्राल में भी आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है, एनकाउंटर में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में ये मुठभेड़ जारी है। त्राल में भी आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर में 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर इस वक्त सामने आ रही। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, पुलवामा में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की भी खबर है। साथ ही त्राल में भी एनकाउंटर किया जा रहा है, जहां 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। लगातार सरहद पर तनाव बना हुआ है और ये स्थिति जो है ये बार बार देखने को मिल रही है। बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी हरकत की ही जाती है जिससे तनाव फिर से बढ़ जाए। अब जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है, अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर पुलवामा में है, जिसकी वजह से लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी हो रहा है और एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर त्राल से सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निसार रसूल हमारे साथ जुड़े हैं। निसार, लगातार एनकाउंटर जारी है, पुलवामा में 203 आतंकी छिपे हुए हैं, ये खबर सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? और जी देखिए ना, कल शाम से वहाँ पे एनकाउंटर जारी था पुलवामा जिला, पुलवामा के त्राल इलाके में। तो वहाँ पे ये कल 4 बजे एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी, पहले वहाँ पे ये साबित हुआ था कि ये इतला मिली थी कि वहाँ जो मिलिटेंट छुपे हुए थे एक मकान में, वो अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से जो फौज, पुलिस और एसओजी ने मुकम्मल अपना कारण, जो वहाँ पे तलाशी कार्रवाई थी वो मुकम्मल तौर से जारी रखी गई पूरी रात के लिए, पूरे रात तक। और आखिरी इतला तक अभी तक 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं, और पुलिस ने अभी तक, जो पुलवामा पुलिस है उन्होंने, अवंतीपुरा पुलिस ने ये तस्दीक की है कि 2 मिलिटेंट्स अब तक मारे गए हैं, और उनकी जो हिजबुल मुजाहिदीन से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। वाजह रहे कि आपको बताता चलो कि ये वही इलाका है जहां 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी इसी इलाके से ताल्लुक रखता था। जी बहुत शुक्रिया निसार आपका तमाम जानकारी के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।